पूर्व सांसद और आरजेडी के बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। दरअसल प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन इसके अलावा केदारनाथ सिंह जो प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं और सुधीर सिंह जो उनके भतीजे हैं, उन पर अब नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल बॉडीगार्ड हत्याकांड मामले में बनियापुर से आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह समेत भाई दीनानाथ सिंह और भतीजा सुधीर सिंह के खिलाफ चल रहे ट्रायल में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पेशल पीपी की बहाली करने के बारे में राज्य सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अनु देवी व अन्य की ओर से दायर मामलों पर सुनवाई की। कोर्ट ने निचली अदालत में 4 साल से लंबित क्रिमिनल रिवीजन पर 4 सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया। वहीं विधायक केदारनाथ सिंह, भाई दीनानाथ सिंह और भतीजे सुधीर सिंह को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश भी जारी कर दिया। साथ ही मामले में अगली सुनवाई अब 4 जनवरी की तय की गई है। तो आवेदिका की ओर से अधिवक्ता अमित नारायण ने कोर्ट को बताया कि इस केस के एपीपी अभियुक्त के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसमें मृतक के परिजनों को न्याय मिलाने की संभावना नहीं के बराबर है। उनका कहना था कि इस केस के गवाहों की गवाही ठीक से नहीं कराई जा रही है, जिसका पूरा लाभ अभियुक्त को मिल रहा है। ऐसे में अब उनका कहना है कि विधायक, उनके भाई और भतीजे फरार घोषित हुए थे, जिसके खिलाफ छपरा जिला जज के यहाँ क्रिमिनल रिविजन 83/2019 दायर किया गया था। निचली अदालत ने ट्रायल का पूरा रिकॉर्ड अपने यहाँ बगवा लिया है, तब से ट्रायल लंबित है। उन्होंने घटना के बारे में बताया कि विधायक अपने सरकारी अंगरक्षक और निजी अंगरक्षकों के साथ उपस्थित थे और उस वक्त जो है उनके बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई थी। बॉडीगार्ड को गोली मारा गया था, जिसमें प्रभुनाथ सिंह के भाई जो आरजेडी के विधायक हैं केदारनाथ सिंह और भाई दीनानाथ सिंह, भतीजे युवराज सुधीर भी शामिल है। तो अब राज्य सरकार अब कार्रवाई करने के मूड में है, क्योंकि कोर्ट का आदेश आ गया है कि जल्द जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक लंबा वक्त से ये मामला पेंडिंग में पड़ा है और ऐसे में अभियुक्त का बयान भी जारी कर लिया गया है। तो ऐसे में अब जल्द जो है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्रभुनाथ सिंह जो मर्डर के केस में सजा काट रहे हैं, उनके भाई भी इस वक्त जेल में है, लेकिन एक भाई जो आरजेडी से विधायक है केदारनाथ सिंह, वो बाहर है। अब उनके भी जेल में जाने की संभावना जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा सुधीर सिंह भी जेल जा सकते हैं। सुधीर सिंह हालांकि कई बार चर्चा में भी आते हैं बयानबाजी को लेकर, और इस वक्त अब कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सुधीर सिंह और केदारनाथ सिंह अंगरक्षक बॉडीगार्ड हत्याकांड मामले में अब जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि अब कोर्ट भी सख्त हो गई है। मामला काफी सुस्त चल रहा था, कार्रवाई ना के बराबर हो रही थी, उम्मीद ना के बराबर जो है पीड़ित पक्ष को था, लेकिन कोर्ट ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है और तुरंत मामले की सुनवाई की है, यहाँ तक कि अगली तारीख भी तय कर दी है कि 4 जनवरी को जो है वो अगली सुनवाई होगी। तो ऐसे में राज्य सरकार अब आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव के विधायक पर न सिर्फ कार्रवाई करेगी, बल्कि उन्हें जेल भेजा भी जा सकता है।